अगस्त 1997 के आखिरी दिनों में डायना डूडियल फाइट की दावत पर फ्रांस गई हुई थी। 31 अगस्त 1997 के दिन पेरिस के पूर डियाल्मा रोड की सुरंग में एक तबाहकुन हादसे के नतीजे में डायना अपने दोस्त डूडियल फाइट के हमरा मौत की आगोश में चली गई। डायना की मौत और उसकी आखिरी रसूमात को आलमी मीडिया में भरपूर कवरेज मिली। Let us leave it there for a moment. Details still emerging of the accident in Paris at around midnight Paris time. अगरचे कि फ्रांस की पुलिस की तफ्तीश और तहकीकात के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह डोरियल फाइट के ड्राइवर हेनरी पॉल की नशे की हालत में ड्राइविंग को करार दिया गया था, मगर बहुत से लोगों का ख्याल ये था और शायद किसी हद तक अब भी है कि यह हादसा किसी बड़ी साजिश का नतीजा था। इस सिलसिले में 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं। सबसे पहले फेक्ड डेथ का नजरिया है, जिसके मुताबिक डायना अपनी जाती जिंदगी में मीडिया की बेजा मुदाखलत की वजह से तंग आ चुकी थी, जिसके नतीजे में उसने डोरी के बेपनाह वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक मस्नूई मौत का नाटक रचाने का फैसला किया, ताकि उसके बाद वो आराम से डोरी के साथ तन्हाई की पुरमुसरत और खामोश जिंदगी गुजार सके। वो हादसा जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ, दरअसल बुनियादी तौर पर एक ड्रामा था। इस सिलसिले में पहली बात तो ये कही जाती है कि हादसे के वक्त कार जिस रफ्तार से जा रही थी, उस रफ्तार में होने वाला हादसा इस कदर मौलिक नहीं हो सकता जैसे कि बजाहिर हुआ। हादसे का शिकार होने वाली मर्सिडीज S280 को आम तौर पर जो ड्राइवर चलाता था, उस रोज उसकी बजाय रिट्स होटल का सिक्योरिटी ऑफिसर हेनरी पॉल चला रहा था, जो दरअसल डायना की मस्नूई मौत के ड्रामे का हिस्सा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के दूसरे नजरिए के मुताबिक ये हादसा MI6 का तख्लीक करता था, जो डायना को बरतानवी शाही खानदान के लिए एक अजीम खतरा समझने लगी थी। एक तीसरा नजरिया ये भी मौजूद है कि दरअसल ये हादसा डोरियल फाइट के लिए था, जिसका बदकिस्मती से डायना भी शिकार हो गई। इस नजरिए के हामी ये कहते हैं कि डोरियल फाइट के कारोबारी मुखालिफिन डोडी को खत्म करना चाहते थे, जिस सिलसिले में उन्होंने ये हादसा करवाया। डायना की मौत के बारे में चाहे जितने भी नजरियात पेश कर दिए जाएं, मगर ये बात एक हकीकत है कि उस हादसे में सबसे ज्यादा अहम किरदार मीडिया के उन अफराद का है जो आम तौर पर पापाराज़ी कहलाते हैं। डायना की मौत किसी साजिश का नतीजा थी या पापाराज़ी की बेजा मुदाखलत की वजह से हुई या असल में एक हादसा थी? ये वो सवालात हैं जिनका हतमी जवाब आज तक नहीं दिया जा सका। लेकिन इंसानी तारीख इस किस्म के वाकयात से भरी हुई है कि अचानक बहुत ज्यादा शोहरत पाने वाले अक्सर अफराद इस किस्म के हादसात का शिकार होते रहे हैं। लेकिन डायना की मौत के बाद सबसे अहम बात जो मौजूए बहस बनी हुई है वो ये है कि बर्तानिया का आइंदा बादशाह कौन होगा? क्या शहजादा चार्ल्स आइंदा बादशाह बनेंगे जो रफ्ता रफ्ता बूढ़े होते जा रहे हैं, या उनका बेटा प्रिंस विलियम? 29 अप्रैल 2011 के दिन होने वाली शहजादा विलियम की शानदार शादी के बाद एक बात बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है और वो ये कि Is it the turn of royal happiness? हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो, मगर ये मामला आखिर कब हल होगा कि डायना एक सितारा थी या शहाबे साकिब?